अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो डू यू नो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दोस्त जांच पड़ताल के लिए अभी वेटिंग में हैं, उनके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि उनको जांच पड़ताल के बाद जो है डायरेक्टली पैसे मिल जाएंगे या उनको ये बताया जाएगा कि वो अहल हैं या ना अहल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल डू यू नो सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ऐसे दोस्त जिनको ये मैसेज आया हुआ है कि जांच पड़ताल के बाद उनको बताया जाएगा कि वो अहल हैं या नहीं, तो यहाँ पे ये तो बात क्लियर हो गई। जांच पड़ताल इसीलिए की जा रही है कि लोगों को देखा जा सके वो अहल हैं या नहीं, लेकिन आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी से कि आप अहल हैं या नहीं? तो मैं आपको इस वीडियो में इस चीज़ को बताने वाला हूँ कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम के अहल हैं कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे मैंने कुछ हेल्प के लिए लिख के रखा हुआ है। तो दोस्तों, जो दोस्त ना अहल होंगे उनमें ये चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। अगर आपका बैंक बैलेंस है, मीन्स के 50,000 60,000 बैंक बैलेंस आपके पास मौजूद है, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि आपको मदद की ज़रूरत नहीं है, तो और वो आपको मदद नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी है, ठीक है, तो भी आपको पैसे मिलने के चांसेस कम हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि आप जो है, आपके पास गाड़ी है, आप एक अच्छी कंडीशन में हैं, अमीर बंदे हैं, क्योंकि एक गरीब बंदे के पास गाड़ी नहीं हो सकती है। मोटरसाइकिल रक्षे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ जो कि चार पहियों वाली गाड़ी होती है, सबको पता है। तो अगर तो वो आपके पास है तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे अगर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे एक चांस ऐसा भी आया कि एक ड्राइवर के नाम पे गाड़ी थी तो ड्राइवर को पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह से आपके नाम पे गाड़ी है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट यही समझेगी गाड़ी आपकी अपनी है और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद अराजी की बात आती है। अगर आपके नाम पे जगह है, एक तो आपका मकान है जहाँ पे आप रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तो वो कोई 3 से 4 मरले में है, 5 मरले वालों के लिए भी मसला बनेगा, लेकिन अगर आपका मकान छोटा है, 2 से 3 मरले में है, तो जो है इसमें आता है कि आपको जो है आप अहल हो और आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक जगह पे रह रहे हो, आपके पास मकान है जहाँ पे आप रहाइश पजीर हो, उसके अलावा आपके पास जगह है, मीन्स के बैकअप पे कोई 2 3 मरले या नहीं, आपने प्लाट छोड़ा हुआ है या कोई घर है आपके पास, तो आपके अब बिल्कुल चांसेस नहीं है, 0% चांसेस है कि आपको पेमेंट होगी, आपको कोई 1 रुपया भी नहीं मिलेगा अगर वो आपके नाम पर हैं। तो ये अराजी का भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बाहर का सफ़र, अगर आप बाहर का सफ़र कर चुके हैं 2 3 दफ़ा, एक तो वो दोस्त हैं कि जो उमरा करने के लिए बाहर गए, लेकिन एक वो दोस्त हैं कि जो हज करने के लिए बार बार बाहर जा रहे हैं, या फिर दूसरे मुल्कों में वो सैरो तफरी के लिए जा रहे हैं या किसी काम के लिए भी जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के भी बहुत कम चांसेस हैं कि उनको पैसे मिलें, बल्कि मेरे ख्याल में तो उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसको भी देख रही है कि जो लोग बाहर का सफ़र कर रहे हैं बार बार, वो अच्छे हैं, वो ठीक होंगे, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक गरीब बंदा बाहर के मुल्कों में सैर या ऐसे ही घूम फिर भी नहीं सकता, या काम के लिए भी मुश्किल ही जाता है। तो तीस ये वाला जो है, ये बैकअप आपका स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों को बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है और उनको पता भी नहीं होता, मीन्स कि पहले वो किसी टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अमीर थे, आज से अगर 3 4 साल पहले, या उनके वाली साहब जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे, आगे बेटे जो हैं वो अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रख सके हैं, या फिर इस तरह से किसी ना किसी तरह से नेक्स्ट टाइम वो कमज़ोर हो गए हैं पहले की निस्बत। लेकिन अगर उनका अगर बैकअप मजबूत था तो अभी गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं देगी, मतलब बैकअप में कोई सरकारी जॉब पे रहा, या फिर उनके पास बैंक बैलेंस जो था वो शो होता रहा, या किसी भी तरह से उनका बैकअप, उनके पास अराजी वगैरह थी जो उन्होंने सेल की या कुछ भी, तो ऐसे लोगों को भी पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा ही लगेगा कि इनका बैकअप स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग था, तो ये अभी भी स्ट्रोंग ही होंगे और वो इन लोगों को छोड़ देगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे वाली साहब थे थोड़े, लेकिन हम तो अब बिल्कुल मींस के आगे, या कोई सरकारी जॉब पे थे वाली साहब और हम नहीं लगे, तो इस तरह के मसले मसाइल लोगों के साथ आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोगों को भी पैसे नहीं मिलेंगे और ये ना अहल लोगों में ही आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले से किसी इमदादी प्रोग्राम में शामिल होंगे जो लोग, उनको भी पैसे नहीं मिलेंगे। अभी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में शामिल थे उनको पैसे मिले हैं और उनको सबसे पहले मिले हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग इसके अलावा हैं किसी ऐसे इमदादी प्रोग्राम में जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट से हटके है, तो उन लोगों को भी ये पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये वो कैटेगरीज थी जिन लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे और ना अहल होंगे, जिन्होंने जिनको ये मैसेज मिल रहा है कि जांच पड़ताल के बाद उनको बताया जाएगा। तो मैं उनको बता दूं कि ये वाले लोग जो मैक्सिमम होंगे वो ना अहल ही होंगे, ठीक है, क्योंकि जो पिछले नेताए जाए हैं उनके वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोगों को अहल और ना अहल कहा गया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।